मॉर्निंग नंबर वन गुड मॉर्निंग सुपर इट्स 93.5 रेड एफएम. स्वागत है आप सभी लोगों का. 8:08 हो गए हमारी घड़ी में और दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपसे बात करनी. सबसे पहले तो थोड़े टाइम में हम लोग बात करेंगे जिस मुद्दे के बारे में, वो ये है कि उल्लास पीआर नाम का एक ऐसा एक्टिविस्ट बंदा है जिसने आमिर खान के खिलाफ न्यू अशोक नगर थाने में दिल्ली में कंप्लेंट दर्ज कराई है. और ये उल्लास पीआर कोई नॉर्मल आदमी नहीं है. हो सकता है आपने इसका नाम बहुत कम सुना हो, लेकिन जब आप गूगल करेंगे, स्पेशली जब आप यूट्यूब पर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली शहर में महिलाओं को भी हेलमेट पहनना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ है और इम्पॉर्टेंट है. इसलिए इसने एक क्या कहते हैं मुहिम शुरू करी थी और उसके बदले काफी मेहनत करने के बाद और आवाज उठाने के बाद महिलाओं के लिए भी हेलमेट कंपलसरी करने की रूल या फिर वो जो चल रहा था वो सामने आया है. तो इसका बड़ा क्रेडिट उल्लास को जाता है. इसी के साथ साथ शॉर्ट फिल्म बनाकर बहुत सारे भावनाओं को और बहुत सारी चीजों को ये लोगों के सामने रखते हैं. इससे पहले उल्लास से हमने बात करी थी, अगर आपको याद होगा, कि सीएम साहब की तरफ से पुलिस को ठुल्ला बोलने का जो बात आई थी उस चीज को लेकर, तब इन्होंने क्या कहते हैं आमिर खान और उस फिल्म के खिलाफ कंप्लेंट करी थी कि उसमें पुलिस को ठुल्ला बोला गया है. तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि सीएम के खिलाफ कंप्लेंट गई थी. अब इस बार आमिर खान के इंटॉलरेंस के मुद्दे पर इन्होंने फिर आमिर खान के खिलाफ कंप्लेंट करी है. सो बेसिकली क्या है कि आई स्टैंड विद आमिर खान जो ट्रेंड हो रहा है, उसमें जो लोग सचमुच आमिर खान के साथ स्टैंड करते हैं उनकी बात मैं सोच रहा हूं, सीधा उल्लास पीआर से कर रहा हूं, कि बेसिकली इस इंसान का प्रॉब्लम क्या है. क्या इसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आमिर खान से, या फिर इनके हर एक कंप्लेंट के पीछे कोई लॉजिक भी होता है. तो उल्लास से थोड़े टाइम में बात करूंगा, क्योंकि हमारा ऑफिस नोएडा सेक्टर 2 में है और न्यू अशोक नगर एकदम बाजू में ही है. यहां से कुदी मारेंगे तो सीधा वहीं हम जाकर लैंड करेंगे. सो कहने का मतलब ये कि उनसे थोड़ा बात करेंगे हम इस बारे में, और इसको थोड़ा सा फन स्पेस में ही लेंगे यार, थोड़ी मस्ती वाली बात में ही करेंगे कि बात समझ में भी आ जाए और ज्यादा हम फेस लंबा करके सीरियस भी ना हो जाएं. क्योंकि शाम को कल रात को टेलीविजन चैनल पर न्यूज चैनल वालों ने इतना पीटा था इस टॉपिक को कि हम ऐसा नहीं करना चाहते. अब आगे आने वाले सुपर हिट गानों में से ये भी बजाएंगे और उल्लास पीआर से बतियाएंगे. ओनली ऑन 93.5 रेड एफएम बजाते रहो गुड मॉर्निंग. नाम के एक शख्स ने, जो एक एक्टिविस्ट भी हैं, एक फिल्म मेकर भी हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, इससे पहले भी उन्होंने कई अहम मुद्दों को उठाया है और काफी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी है. इस बारी आमिर खान के उस इंटॉलरेंस वाले मुद्दे पर इन्होंने आमिर खान के खिलाफ कंप्लेंट करी है. इनपे कंप्लेंट क्या, उनसे जवाब मांगने की कोशिश करी है किसी तरह से न्यू अशोक नगर पुलिस थाने में दिल्ली में. तो इस चक्कर में हमने कहा कि कुछ लोगों के सवाल होंगे जो डायरेक्टली रखते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते. तो उल्लास इस वक्त टेलीफोन लाइन पर है, उल्लास से डायरेक्टली सवाल पूछने का मौका मिल रहा है. तो भाई ऑब्वियसली मौका मिला है और किसी ने कंप्लेंट किया तो क्यों नहीं पूछेंगे. सो मयंक जी इस वक्त टेलीफोन लाइन पे. मयंक प्लीज. उल्लास, यू आर सेइंग दैट आमिर खान हैज गिवन अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट इट्स नॉट अबाउट फेवरिंग आमिर खान और फेवरिंग समबडी, बट सी वी हैव लॉट ऑफ रिटायर्ड इन आवर कंट्री राइट, हु जस्ट बेस्ड ऑन अ र्यूमर दे किल पीपल. आमिर इज सेइंग दैट यू नो If somebody is getting fear in this country, for sure, certain reason, yes, we have certain... ठीक है, उल्लास भाई, उल्लास. हाँ, यही तो हमें समझना है. जो political parties हैं, उनका काम है वो किसी तरह से जीत के आए, वो कुछ भी हो हल्ला करेंगे. ऐसे में जो celebrities हैं, जो अच्छे माने जाते हैं, जिनकी बातों में वजन होता है, उनको ये बात रखनी चाहिए कि हमें ये खेल समझ आता है, हम डट के मुकाबला करेंगे. ये अगर आमिर खान कहते तो बात बनती ना. आपको लगता है देश में किसी ने गलत बयानी की है, नजदीकी थाने में जाओ ना, कंप्लेंट करो. ज्यादातर लोग डर जाते हैं इस चीज से. उल्लास उल्लास भागो, उल्लास पुलिस आई. उल्लास थैंक यू वेरी मच महक फॉर कॉलिंग. आई थिंक मेरे को तो कुछ ऐसा इशू लगा ही नहीं इनटॉलरेंस वाला. उनकी वाइफ किरण राव जी ने बस ये बोला था कि कुछ उनको कुछ फियर है तो शुड दे मूव आउट ऑफ द कंट्री. सर मैंने इनटॉलरेंस वाला मुद्दा तो उठाया ही नहीं. मैंने ये बोला कि एक सेलिब्रिटी आमिर खान के स्टेचर वाला अगर एक प्लेटफॉर्म में ये कह दे कि मेरे घर में डर का माहौल है, तो आप किसको जिता रहे हो इस बात से? आप उन लोगों को जिता रहे हो ना जो पंगा करना चाह रहे हैं इस देश में. मैं ये कह रहा हूँ आमिर खान साथ में ये जोड़ देते कि नहीं, मैं डट के मुकाबला करूंगा, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा कि जो बरगलाने वाले लोग हैं इनकी बातों में ना आए.
फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आपको दी गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी दिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। थैंक यू वेरी मच उल्लास बात करने के लिए। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, सॉरी हर इंसान, क्योंकि लंबा लंबा सब बोल रहे थे और उल्लास सबका जवाब दे नहीं सकते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट बात ये भी एंड एंड में उल्लास ने बताई है। और ये जब भी पिछले दिनों जब किरण बेदी जी से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अक्सर हम चिल्लाते रहते हैं कि फंडामेंटल राइट है मेरा ये बोलना, लेकिन साथ ही साथ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज को अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो जो राइट्स है उसको यूज करने से पहले हम समझ जाएंगे कि हमें क्या पहले यूज करना चाहिए। खैर आप ज्यादा ज्ञानी हैं, मैं जानता हूं इस चीज को। बाकी ट्वीट करके @RJRaunac ट्विटर हैंडल पे बता सकते हैं। किसी ने अभी अभी एक जोक बनाते हुए भेजा कि जो पर्सनल बात बीवी का आप ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म पे शेयर करोगे तो पंगा तो होगा ही ना। इस मामले में सलमान खान कूल है ना, बीवी ना टेंशन।